राजधानी दिल्ली में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने जगह जगह जन आंदोलन किया। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यालय झंडेवालन पर भी पानी को लेकर जन आंदोलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी खुद बिना मास्क के नजर आए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले 7 सालों से जनता अब वादा कर रही है कि हम साफ पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, लोगों के घरों में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन आज दिल्ली के अंदर पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ 3600 स्थानों पर हम धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये जन आंदोलन दिल्ली की जनता को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए है। दिल्ली के सरकार ने वादा किया था हर घर में नल से जल से पानी पहुंचेगा। आज टैंकर माफिया पूरी तरह से हावी है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और उनके मंत्री टैंकर माफिया को संरक्षण दे रहे हैं और दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि दिल्ली के अंदर हर इलाके के अंदर साफ सुथरा पानी नहीं आ जाता। आपको बता दें कि दिल्ली में आज बीजेपी ने जगह जगह मटके लेकर जन आंदोलन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने केजरीवाल सरकार को इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है।